अगर पाचन तंत्र को बिल्कुल फौलाद बनाना है तो एक चीज को अपने डाइट के अंदर शामिल कर लीजिए। यह आपके शरीर के सारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है, यानी उसे डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देता है कि आप कोई सी भी चीज खाएंगे तो वह अच्छे से पचने लग जाएगी। शुरुआत में आपको थोड़ा समय लग सकता है, आपको लग सकता है कि हाई फाइबर है इसकी वजह से पेट भरा हुआ लग सकता है, लेकिन इसको रोजाना अगर अपनी डाइट के अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की काफी सारी बीमारियां ठीक होने लगेगी। किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र अगर कमजोर होता है तो सबसे प्रमुख उसकी बीमारियां शुरू होने लगती है, उसके सारे दोष बिगड़ने लगते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या रहती है कि जैसे आपकी हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होता है, आपको कफ वेलगम बहुत ज्यादा जमता है, या फिर आपकी बहुत ही ज्यादा गैस बनती है, कब्ज रहती है, खून की कमी है, किसी भी प्रकार की अगर आपको बीमारी सता रही है, जैसे वात संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं कि जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, पूरी तरह से मसल्स का विकास नहीं होता है, उसी तरह से अगर पित्त रोग बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा एसिडिटी, जलन, एसिड रिफ्लक्स या फिर पेट में अल्सर, किसी भी प्रकार के इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। और अगर किसी व्यक्ति का कफ दोष बिगड़ेगा तो साइनस जैसी दिक्कत, अस्थमा जैसी दिक्कत होने लग जाएगी और बहुत सारे इलाज वो ले लेते हैं लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं या बार बार एलर्जी होकर तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो आप मेरे इस पर बने हुए काफी सारे वीडियो है, आप एक बार जाकर उनको जरूर चेक करें, सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। शरीर के शुद्धिकरण करने के लिए लोग काफी सारे इलाज लेते हैं लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिलता है। सबसे पहले तो शरीर में बीमारियां आने के या पाचन तंत्र खराब होने के जो सबसे प्रमुख कारण होते हैं वह यही होता है कि आपका खान पान अगर सही ढंग से नहीं है तो आपको इस प्रकार की बीमारियां लगेगी, पाचन तंत्र कमजोर होने लग जाएगा, आती पूरी तरह से कमजोर होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऐसी ऐसी बीमारियां होने लगेगी। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र काफी ज्यादा स्ट्रोंग है तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है और आपके शरीर का इम्यूनिटी भी सुधरता रहता है, यानी इम्यूनिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं लेकिन उनके उपाय थोड़े से मुश्किल होते हैं या फिर आपको सूट नहीं होते, इसीलिए आप उनको करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आज जिस उपाय की बात मैं कर रही हूँ वो उपाय ऐसा है जो सबको सूट करता है, बच्चों से लेकर बड़े तक को अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो वह नहीं होगी। आज का उपाय बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, गैस होती है, अपच होती है, पेट फूलने लगता है, आपको लगता है खाना पूरी तरह से पचता नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको काले चने का सेवन करना चाहिए। काला चना एक ऐसी औषधीय गुणों से भरपूर होता है जिसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये काफी सारी बीमारियों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक करता है। यह हाई फाइबर होने के कारण हमारे शरीर के अंदर जाकर पाचन तंत्र को सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और सारे के सारे न्यूट्रिशन इससे मिल जाते हैं। रोजाना अगर आप अपनी डाइट के अंदर इन काले चने को शामिल करने लगते हैं तो यह आपके शरीर की काफी सारी बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर देता है, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि कितने ही विषाक्त पदार्थ अगर इकट्ठा होने लगते हैं तो ये उनको पूरी तरह से निकाल देता है, वह भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं वह गंदा होता है, अशुद्ध होता है, तो क्या करता है, पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है और अगर पाचन तंत्र के द्वारा अगर मल के माध्यम से वो बाहर निकलने लग जाए तो क्या होएगा, बहुत सारी बीमारियां ऐसे ठीक हो जाएगी। तो क्या करना है, हाई फाइबर युक्त चने का सेवन करना है, फाइबर भी चला जाए, पाचन तंत्र भी ठीक होने लग जाए और बहुत सारी बीमारियां ऐसे ठीक होने लग जाए। तो आपको क्या करना है, काले चने को रात को भिगो देना है और सुबह इनको चबा चबा कर अच्छे से खाना है। अब आप इनको कैसे खाएं, थोड़े से ऐसे ही ले लिए, घूमते गए और थोड़े थोड़े ऐसे ही आपने खा लिए, ये भीगे हुए काले चने आपके शरीर के अंदर जाकर आपके इम्यूनिटी को एकदम से सुधारते हैं, पावरफुल बनाते हैं, जो एसिड अंदर बनता है उस एसिड में जितने भी परिवर्तन आते हैं वह एकदम से आने लगते हैं। तो जैसे आपने चना खाया आपके शरीर का इम्यूनिटी सुधर जाएगा, बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस चने का सेवन करना है, ब्लड कोशिकाओं को ये पूरी तरह से साफ करता है। भी लोग खून बढ़ाने के लिए बहुत सारे रेमेडीज करते हैं,
है लेकिन इस काले चने का सेवन करने लग जाते हैं तो उनके खून भी ऐसे ही नेचुरली बढ़ने लगता है। आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने रोजाना एक कटोरी चना भी रोज खा लिया तो आपके शरीर में खून की कमी कभी होगी भी नहीं, आपके रक्त पूरी तरह से साफ रहेगा, उसके अंदर अम्लता नहीं बढ़ेगी जिसकी वजह से आपके शुद्धिकरण होता रहेगा, और फिर अगर रक्त शुद्ध रहेगा तो शरीर में रक्त संबंधी बीमारियां भी नहीं होगी। इसके अंदर इतना सारा कैल्शियम और आयरन होता है कि आपकी हड्डियों में जो दर्द होता है, जॉइंट पेन होते हैं, मसल्स पूरी तरह से काम नहीं करते, दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो वह सारी की सारी समस्याओं को ये बिल्कुल ठीक करेगा। आपको सिर्फ एक कटोरी चना खाना है और आप देखेंगे कि आपकी हड्डियों में जो दर्द था वह 2-3 दिन में ही ठीक होने लगा है। क्यों? क्योंकि वात रोग पर पूरी तरह से काम करता है, आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में आपका फायदा करता है। और जिन लोगों को कफ दोष बिगड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपको कफ संबंधित रोग होते हैं, खांसी के साथ बलगम गिरता है, या फिर आपको साइनस है, अस्थमा है, दमा है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, इन काले चने का सेवन जैसे ही करना शुरू करेंगे कफ बलगम भी आपका पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा, क्योंकि ये कफ दोष पर पूरी तरह से काम करता है। करना क्या है, सिर्फ एक कटोरी चना भिगो करके रोज खाना है जिससे कितनी सारी बीमारियां ऐसे ठीक होने लग जाएगी, हार्ट पूरी तरह से सही ढंग से काम करने लग जाएगा, जो आपकी बार बार धड़कन बढ़ने लगती है, ब्लड पूरी तरह से खराब होने लग जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो ये सारी की सारी चीजों पर कंट्रोल करता है। तो आपको सिर्फ एक कटोरी चना खाना शुरू करना है और बीमारियां अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी, यानी शरीर ही खुद अपने आप बीमारियों को ठीक करने लगेगा। सारे के सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ये पूरी तरह से ठीक करता है, पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना देगा, आंतों को पूरी तरह से स्ट्रोंग कर देगा कि कोई सा भी खाना अगर आप फिर खाएंगे तो वह पचने लग जाएगा। होता क्या है कि व्यक्ति क्या करता है कि खाने में उल्टा सुल्टा कुछ भी खाता रहता है, पहले प्रभाव पड़ता है पाचन तंत्र पर, और उसी पाचन तंत्र को अगर आपको सुधारना है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को अपने डाइट के अंदर रखना है। वह नेचुरल तरीके से अगर साफ सुथरा रहेगा, उसमें कोई गंदगी नहीं फैलेगी, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, तो वह पूरी तरह से डिटॉक्स रहेगा, तो वैसे भी अगर आप कुछ भी खाना खाएंगे तो वह पचेगा, सड़ेगा नहीं। तो आपको बस यही चीजें ध्यान रखनी है कि खाने के अंदर आपको ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता रहे, आपके आंतों की सफाई करता रहे, आपकी कब्ज को ना होने दे। तो बस यही चीजें ध्यान रखनी होती है, तीनों ही दोष भी बिल्कुल सही रहते हैं। आप कुछ भी खाते हैं तो वह पचने लगता है। काले चने के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, यानी इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, जिंक होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो करना क्या है, रोजाना अपने डाइट के अंदर एक कटोरी चने को खाना है। बस इस उपाय को करना शुरू करें और आपके शरीर की काफी सारी बीमारियां को ठीक होने लग जाएगी। आप खुद देखेंगे और फिर कमेंट करके बताइए कि एक कटोरी चना अगर आपने अपने डाइट के अंदर रखा है तो आपको कितने फायदे हुए, आप जरूर बताइए ताकि किसी दूसरे को भी मदद हो सके, वह भी इसे अपनी डाइट के अंदर शामिल करे। पाचन को अगर पूरी तरह से फौलाद बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को करना शुरू करें, अपने डाइट के अंदर सिर्फ चना खाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर की बहुत सारे टॉक्सिन बाहर निकल गए हैं, आप पूरी तरह से ठीक होने लगे हैं। तो बस इस छोटे से उपाय को आप करिए। परहेज के तौर पर जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं या रेमेडी नहीं भी करते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसी चीजें नहीं खानी है जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह से खराब कर दे, आपके शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होने लग जाए। तो आपको क्या करना है, अचार नहीं खाना है, बिल्कुल ऐसे विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ परहेज अगर आप करेंगे तो सारे के सारे अच्छी चीजें जो आप खाएंगे उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो बस यही आपको करना है, इसे समझना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।